हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, आज से ठीक 3 दिन पहले हमने एक डिमांड रखी थी रेलवे बोर्ड के सामने कि कोलकाता से बिहार के लिए 4 ट्रेनें दी जाए। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला, खूब सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिले और दोस्तों हमारी ये आवाज़ रेलवे तक भी पहुँची। और दोस्तों, इसका प्रमाण हमें कल देखने को मिला जब रेलवे ने फाइनली 4 ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर दी है जो कि चालू होगी अक्टूबर के महीने से। और दोस्तों, ये सभी की सभी ट्रेनें हम वही ट्रेनें हैं जिसके बारे में हमने डिमांड की थी। मात्र एक ट्रेन को इसमें से हटा दिया गया है और एक नई ट्रेन को भी जोड़ दिया गया है जिससे बिहार के यात्रियों को भी फायदा होगा जो कोलकाता जाते हैं, और इसी के साथ साथ उन सभी यात्रियों को फायदा होगा जो इस रूट पर निवास करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कोलकाता से बिहार के लिए कौन कौन सी ट्रेनों को अप्रूव किया गया है। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताएं, और कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो अप्रूवल मिली है या ईस्टर्न रेलवे की तरफ से मिली है, दोस्तों ईस्टर्न रेलवे ही बिहार से कोलकाता जाने वाली सभी ट्रेनों का रख रखाव करता है। यदि कोई भी ट्रेन बिहार से कोलकाता के लिए चलती तो उसके लिए सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे की अप्रूवल चाहिए होती है, और दोस्तों ये अप्रूवल मिल चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे ने रेल मंत्रालय को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने प्रॉपर कारण यानी कि पूरे के पूरे कारण बताते हुए ये कहा है कि बिहार से कोलकाता के लिए ट्रेनों की क्यों जरूरत है और कौन कौन सी ट्रेनों की जरूरत है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रेन के साथ जहां पे उन्होंने सब कारण और कौन सी ट्रेन सारी चीजें बताई हैं। दोस्तों, पहली ट्रेन बिहार के लिए तो नहीं है, ये है गोरखपुर से कोलकाता के लिए, लेकिन दोस्तों ये बिहार के अधिकतर क्षेत्रों से होकर जाती है और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से होकर भी जाती है। दोस्तों, इसी कारण से महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे इसे 7 नंबर पे रखा गया है और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये ट्रेन अपने हर ट्रिप में 134.6564% की ऑक्यूपेसी के साथ चलती है, यानी कि 100 व्यक्तियों के सीट पे 134 व्यक्ति बैठते थे पिछले साल, और हर ट्रिप से इस ट्रेन की अर्निंग करीब 6.52 लाख रुपए होती थी। इसी कारण से इस ट्रेन को चालू किया जाए, उसे सप्ताह में 4 दिन के लिए चालू किया जाए, यानी कि यह सप्ताह में सिर्फ 4 दिन चलेगी। दोस्तों, पहली ट्रेन की यही ईस्टर्न रेलवे द्वारा डिमांड रेलवे बोर्ड को भेजी गई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। और चलते हैं दूसरी ट्रेन पे। दोस्तों, दूसरी ट्रेन वही है जिसके लिए हमने जोरदार आवाज उठाई थी, यानी कि गंगा सागर एक्सप्रेस जो कि जाती है जयनगर से सियालदह को। दोस्तों, इस ट्रेन को एक डेली ट्रेन के रूप में चलाने का प्रपोजल ईस्टर्न रेलवे द्वारा रेल मिनिस्ट्री को भेजा गया है। और दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ये ट्रेन पिछले साल अपने हर ट्रिप में करीब 4.22 लाख रुपए की अर्निंग करती थी और इसकी ऑक्यूपेसी रेशियो 131.89 है, यानी 100 व्यक्तियों की सीट पे 131 व्यक्ति बैठते थे। दोस्तों, इसी कारण से इस ट्रेन को चालू करने का प्रपोजल भेजा गया है। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये ट्रेन उत्तर बिहार की एक पॉपुलर ट्रेन है, इसी इस कारण से भी इस ट्रेन को चालू किया जाए। दोस्तों, इस ट्रेन के नाम पे आपका लाइक तो बनता ही है, लाइक और शेयर करते जाए। दोस्तों, हम चलते हैं तीसरी ट्रेन पे जो कि है हावड़ा से रक्सौल के बीच चलने वाली मिथिला एक्सप्रेस। दोस्तों, इसके बारे में भी हमने जोरदार डिमांड की थी और दोस्तों फाइनली ईस्टर्न रेलवे ने इसको भी अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो नंबर है वह है 130.2122। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये ट्रेन 137.78% की ऑक्यूपेसी रेशियो के साथ चलती थी, यानी कि 100 व्यक्तियों के की सीट पे 137 व्यक्ति बैठते थे, और इस ट्रेन की पर ट्रिप अर्निंग हर ट्रिप में ये ट्रेन करीब 5.37 लाख रुपए कमाती थी। दोस्तों, इसी कारण से इस ट्रेन को भी अप्रूव करके रेलवे बोर्ड के पास प्रपोजल के लिए भेजा गया है, और जो अनुमान है रेलवे बोर्ड इसे निश्चित रूप से पास करेगा और अगले महीने से कोलकाता से बिहार के लिए ट्रेनों का चलना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थी तीसरी ट्रेन। अब हम चलते हैं अंतिम ट्रेन पे। दोस्तों, अंतिम ट्रेन भी वही है जिसके बारे में हमने डिमांड की थी, हावड़ा से जमालपुर को आने वाली सुपर एक्सप्रेस जो कि भागलपुर होके आती है, जिस कारण से भागलपुर जमालपुर और इस क्षेत्र के सारे लोगों को एक कोलकाता के लिए ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, इसके लिए हमने डिमांड की थी और दोस्तों फाइनली इस ट्रेन को भी अप्रूवल मिल चुकी है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में यहाँ पे रेलवे ने मेंशन किया है कि ये ट्रेन एवरेज ऑक्यूपेसी 116.59% के साथ चलती है, यानी कि 100 व्यक्तियों की सीट पे 116 व्यक्ति बैठते हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज रेवेन्यू अन्य ट्रेनों से तो कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, 3.31 लाख रुपए हर ट्रिप पे ट्रेन कमाती है पिछले साल। दोस्तों, इसी कारण से ईस्टर्न रेलवे ने रेल मिनिस्ट्री को कहा है कि इस ट्रेन को भी चालू किया जाए। दोस्तों, यही की यही वो 4 ट्रेनें थी जिसके बारे में ईस्टर्न रेलवे ने अप्रूवल देकर रेल मिनिस्ट्री को भेजा, और रेल मिनिस्ट्री भी इसे निश्चित रूप से अप्रूव करेगा क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है और रेलवे को भी यह पता है कि त्योहारों में ट्रेनों की डिमांड बढ़ने वाली है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।